हे गाइस वेलकम बैक टू ड्रॉग बाबा और मंडे uh, को हमारा रहता है रूटीन की राउंड अप करते हैं जो भी एक्शन हुआ राउंड द लीग्स लेकिन मैं इस वीक स्पेसिफिकली प्रीमियर लीग की बात करना चाहता हूं और ऑब्वियसली जब भी मैं राउंड अप करता हूं प्रीमियर लीग का ही होता है मेनली पार्ट उसमें राउंड अप करने को ऐसा सच कुछ है नहीं क्योंकि चार मैच ही हुए हैं इस बार वीक में दस में से सिर्फ चार मैच हुए हैं छः मैच जो हैं पोस्टपोन हो गए हैं ड्यू टू तो कोविड जो है वो अब अप... फैल गया है पेंडेमिक जो है वो वापस जो केसेस हैं उसके बढ़ने लगे हैं टीम्स में आ गए हैं बहुत सारे केसेस तो अगर इस हफ्ते की बात करें तो सिर्फ चार मैच हो पाए लीड्स आर्सनल न्यूकासल मैन सिटी वुल्स चेल्सी और स्पर्स लिवरपूल तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारी जो टॉप टीम्स थी उन्होंने तो अपने मैचेस खेल लिए बट बाकी उसके अलावा सारे जो मैचेस थे वो पोस्टपोन हो गए कहीं ना कहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी जैसा मैच जो है वो पोस्टपोन हो गया और एक दो मैचेस जो अच्छे अच्छे होने थे वो हो नहीं पाए तो लीड्स आर्सनल की बात कर लेते हैं पहले तो आई थिंक ब्रिलियंट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम आर्सनल और लीड्स ऑब्वियसली यार अब मतलब पंद्रह साल का बच्चा उनकी बेंच पे था एक और वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है इससे जैसा मैंने कहा था इंजरीज और कोविड की वजह से बट क्रेडिट वेरिट्स ड्यू आर्सनल अवे परफॉर्मेंस अच्छा खेला उन्होंने और पूरे तीन पॉइंट लिए और एज अ रिजल्ट ऑफ विच टॉप फोर में अब आ गए हैं वो ऑल दो जो उनके नीचे टीम्स हैं उनके पास गेम इन हैंड है लेकिन स्टिल आर्सनल अब प्रेशर बना रही है और वो टॉप फोर की रेस में अपने क्लेम जो है उसको स्टेक कर रही है और मतलब फर्मली अब आर्सनल जो है अब आ जाएगी टॉप फोर की रेस में अगर इसी तरीके के, के रिजल्ट कंटिन्यू रहे तो एवर्टन की लॉस के बाद अच्छा रिएक्शन देखने को मिला साउथ हैप्पम वेस्ट हेम आई एंड नाउ लीड्स तो अच्छे रिजल्ट्स तीन बैक टू बैक विन्स तो अ गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन मैन सिटी एज ऑलवेज इम्पीरियस इस गेम की मैं बात नहीं करूंगा बिल्कुल भी मतलब पता ही था रेलिगेशन जोन में है न्यू कासल एकदम लास्ट पोजिशन पर ट्वेंटी एथ पोजीशन पर जाकर एकदम डिसमेट कर दिया न्यू कासल को फोरनिल चेल्सी वुल्स इसका मैंने रिएक्शन जो है वो डाल दिया था कल डाला था मैंने अपलोड कर दिया था स्क्रीन पे आपके लिंक फ्लैश हो रहा होगा बात करेंगे डिटेल में थोड़ी सी स्पर्स वर्सेस लिवरपूल की एक प्रॉपर प्रीमियर लीग क्लासिक था यह मैच और जैसा हम बात करते हैं ना कि प्रीमियर लीग में वो इंटेंसिटी है वो पैशन है वो क्राउड का सपोर्ट वो मैनेजर का पैशन देखने को मिला दोनों क्लॉब से और एंटोनियो कॉन्टे से द टॉर्टनम हॉटस्पर स्टेडियम वॉज एप्सोलूटली बजिंग स्पेशली आफ्टर दैट सॉन का इक्वलाइजर जो दूसरा गोल मारा तो बहुत टू एंड फ्रो मैच चल रहा था मैं ये नहीं कहूँगा कि एक टीम ने डोमिनेट किया दूसरी को बात करेंगे थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजनस की मतलब वी इतना ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट है ना जिसकी हद नहीं है पहली बात तो जो हुआ मैच में लिवरपूल का दूसरा गोल शुड इट स्टैंड आई थिंक इट शुड नॉट स्टैंड साला का क्लियर हैंडबॉल था और बिल्डअप में अगर आपके हैंडबॉल होता है मतलब हाथ के हाथ के आसपास भी बॉल है आसपास से मतलब अगर आपके हाथ के क्लियर कांटेक्ट में है बॉल तो द गोल शुड नॉट स्टैंड और बहुत केसेस में देखा हमने कि गोल नहीं दिया जाता बट वहाँ पे गोल दिया गया एक कॉन्ट्रोवर्सी वहाँ हुई दूसरी चीज़ रॉबर्टसन का रेड कार्ड क्या वो रेड कार्ड था यार टैकल तो बड़ा गंदा था और मतलब फुल ब्लडेड था लेकिन मेरे हिसाब से फिफ्टी फिफ्टी था मतलब अगर येल्लो होता तो भी सही था और रेड दिया तो भी सही है मतलब आई एम ऑन द मिडल वाला पाथ जो होता है ना कि यार क्या ही बोलूँ मैं मतलब मैं येल्लो अगर मिलता तो मैं ये डिफेंड कर सकता हूँ कि यार येल्लो ही क्यों है और रेड मिला तो भी मैं ये डिफेंड कर सकता हूँ कि रेड क्यों होना चाहिए था तो वो वन ऑफ दोज टैकल्स था थोड़ा अनलकी रहे रॉबर्टसन कहीं ना कहीं लेकिन एक और बात करें तो केन का हैरी केन का एक टैकल था रॉबर्टसन रो, पे स्टड्सअप बिल्कुल उसको रेड कार्ड नहीं दिया गया तो इनकन्सिस्टेंसी इतनी ज्यादा है ना एक जोटा का काफी क्लियर पेनल्टी शाउट था वो भी एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बन सकता था मैच में तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अब देखने को मिल रही हैं और वी का पॉइंट ही क्या है अगर हम कंक्लूसिवली कोई डिसीजन दे नहीं पाते टाइटल uh, रेस के टर्म्स में बात करें तो मैसिव पॉइंट फॉर स्पर्स टॉप फोर के लिए उनके लिए चीज़ें आसान होती हैं और लिवरपूल कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेटबैक ऑल दो दे आर स्टिल थ्री पॉइंट्स क्लियर ऑफ चेल्सी ऑन सेकेंड प्लेस और थोड़ा सा अब जो एक पॉइंट का गैप था वो तीन पॉइंट का हो गया तो गैप खुलने लगा है ऑन टॉप ऑफ द टेबल बट ये ऐसा नहीं था कि ये कोई मिड टेबल टीम या लोअर लेवल की टीम पे जा रहे थे स्पर्स इज अ गुड अपोजिशन एंटोनियो कॉन्टे की स्पर्स अब हमको देखने को मिल रही है इन फुल इफेक्ट काफी अच्छी टीम है ये तो आई थिंक इट्स अ फेयर रिजल्ट जो हुआ एंड में दोनों टीमें ही डिजर्व करती थी एक पॉइंट तो एटलीस्ट क्योंकि दोनों ने ही बहुत अच्छा गेम दिखाया था एलिसन विद द हाउलर डिसअपॉइंट होंगे जिस तरीके से कंसीड किया लिवरपूल ने दूसरा गोल तो ये इस गेम वीक का छोटा सा राउंड अप है जब चार मैचेज में क्या क्या हुआ यार अब बात कर लेते कोविड की थोड़ी सी तो कल य स्टेटमेंट आया था कि प्रीमियर लीग क्लब्स विल मीट ऑन मंडे टू डिस्कस एस्केलेटिंग क्राइसिस अराउंड द कोरोना वायरस पेंडेमिक तो आज मीटिंग होगी विद टेन गेम्स पोस्टोन ओवर द पास्ट वीक ओनली सिक्स ऑलरेडी फ्रॉम दिस वीक एंड टेन मैच फिशर लिस्ट क्लब वॉन्ट्स चांस टू डिस्कस द ऑप्शन मैनेजर कैप्टन आर ऑल्सो ड्यू टू होल्ड देयर ओन मीटिंग्स स्टीवन ही होप द मीटिंग्स वुड प्रोवाइड क्लैरिटी टू अ लॉट ऑफ कंसर्न एंड अनसर्ड क्वेश्चन

कुछ टीम्स अंडरस्टैंडेबली सो जिनका मोमेंटम अच्छा है वो नहीं चाहते कि बड़ा ब्रेक हो क्योंकि वो अब एक उस रिदम में आ गए दूसरी तरफ जो टीम्स जैसे चेल्सी हो गई एस्टन विला हो गई ब्रांडफर्ड हो गई ब्रांडफर्ड के ऑलरेडी कई सारे गेम्स पोस्टपोन हो चुके ब्राइटन हो गई ये लोग चाहेंगे कि जो गैप है थोड़ा सा लंबा हो जिससे वो थोड़ा सा उनको टाइम मिले उनके प्लेयर्स को फिट होकर वापस आने का टीम में क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई पॉइंट नहीं है हमको क्वालिटी फुटबॉल नहीं दिखे दिखेगी अब इट्स लाइक like कि जस्ट द सेक ऑफ़ प्रीमियर लीग मैचेस कराने के लिए फॉर द सेक ऑफ इट हम कराए जा रहे हैं मैचेस खींचे जा रहे हैं खींचे जा रहे हैं खींचे जा रहे हैं आई नो इतना इजी नहीं होता है चीज़ों को बंद करना या सस्पेंड कर देना लीग को क्योंकि बहुत सारा फाइनेंशियल इसमें आस्पेक्ट है वो इन्वॉल्व है कई सारी चीज़ें हैं क्योंकि अगर आप प्रीमियर लीग को सस्पेंड करते हैं तो बाकी लीग्स तो चल ही रही हैं साइमल्टेनियसली साइड बाई साइड तो आपका कैलेंडर इफेक्ट होगा कहीं ना कहीं जो आपका एक चल

चेल्सी ने तो वुल्स के मैच के पहले कल एक रिक्वेस्ट करी थी प्रीमियर लीग को कि यार ये सस्पेंड कर दो हमारे पास प्लेयर नहीं है प्रॉपर क्योंकि इंजरीज और कोविड की वजह से जो है हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं तो प्लीज़ गिव अस टाइम टूगेटर फुल फुल स्ट्रेंथ टीम बैक लेकिन वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया प्रीमियर लीग ने और प्रीमियर लीग भी यहाँ पर एक स्टैंड लिए हुए ज़बरदस्त कि भाई जितने मैचेस हो सकते हैं वो होने देंगे और आई कैन काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दैट लेकिन प्रीमियर लीग का भी मैं साइड समझ रहा हूँ हाँ ठीक बात है आप नहीं कर सकते एकदम से इतना ज़्यादा हार्ड डिसीजन नहीं ले सकते लेकिन क्या प्रीमियर लीग प्रीमियर लीग रहेगी बिना उन प्लेयर्स के पैक वॉडियोला को भी ग्रीन सिग्नल मिल गया था वो आ गए उनका इनकनक्लूसिव कोविड टेस्ट आया था लेकिन अब ऐसी जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होंगी टीम्स के मैनेजर्स में होंगी टीम्स के बड़े बड़े प्लेयर्स में होंगी तो ये कितने दिन तक चलेगा अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से प्रीमियर लीग को कंटिन्यू किया जाएगा बिहाइंड क्लोज डोर्स तो मैचेस को करना ही पड़ेगा फैंस की आपको एंट्री बंद करनी पड़ेगी दूसरी चीज आपको थोड़ा सा एक हॉल्ट भी देना पड़ेगा जिससे एटलीस्ट जो टीम के कुछ मेन प्लेयर्स हैं वो अपना क्वारंटाइन पीरियड पूरा करके तो वापस आए तो हमको एटलीस्ट क्वालिटी ऑफ गेम्स तो देखने को मिले नहीं तो अगर टीम्स अपनी जैसे लीड्स बहुत ज़्यादा सफ़र किया है इस पेंडेमिक uh, की वजह से अभी उनके पास प्लेयर्स ही नहीं उतार नहीं वो पंद्रह साल का एक बच्चा उनके बेंच पर था यार आर्ट के अगेंस्ट के तो फेयर नहीं है कुछ टीम्स के लिए मतलब ऑब्वियसली लक वाली भी बात होती है आप सेम चीज़ कह सकते हैं यार किसी टीम्स को इंजरीज हो जाती है किसी टीम्स को इंजरीज नहीं होती लेकिन ये उससे अलग है सिचुएशन और ये ऐसा है कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हो एक दो वीक आप इसको थामो थोड़ी सी प्लानिंग बनाओ कि कैसे हमको बा, बायो बबल बनाना है या कैसे हमको चीज़ों को जो है कंटेन करना है टेक सम प्रेगमेटिक स्टेप्स एंड कम बैक विद द बैंग और प्रीमियर लीग शुड गो इन फुल फ्लो और ऑब्वियसली अनफेयर है लीग चलती है तो भी अनफेयर है और लीग रुकती है तो भी अनफेयर है अगर लीग चलती है तो उन टीम्स के लिए अनफेयर है जिनके ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो कोविड की वजह से बाहर है और जब लीग रुकती है तो वो उन टीम्स के लिए अनफेयर है जैसे लिवरपूल हो गई मैन सिटी हो गई जिनका मोमेंटम बना हुआ है जो बहुत अच्छे एक फॉर्म में जो बहुत अच्छे मेंटल स्पेस में उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कि एक बार ब्रेक के बाद फिर उस इंटेंसिटी से और उस कंपेटिटिवनेस से वापस से लीग में आना चेल्सी को ऑन दी अदर हैंड फायदा होता है अगर ब्रेक लगता है तो प्लेयर्स को रिकवर करने का टाइम मिलता है इंजरी से वापस आने का टाइम मिलता है एंड होपफुली जब हम वापस आए ब्रेक के बाद तो फुल स्क्वाड अवेलेबल हो तो चेल्सी का वहाँ पर एक थोड़ा सा डेफिनेटली टाइटल चांसेस को बूस्ट मिलेगा जो कि अभी स्लिप होता हुआ दिख रहा है टाइटल तो ये सब चीज़ें हैं जिनका एक कोई क्लियर कट आंसर नहीं और डेफिनेटली क्लैरिटी जो है हमको मिलेगी जो मीटिंग होगी ये क्लब कैप्टन और सारे क्लब्स के बीच में और जो भी प्रीमियर लीग के जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनके बीच में फिर हमको पता चलेगा कि भाई क्या सीन है असली सिचुएशन तो अच्छी नहीं लग रही है टू बी ऑनेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं एक लाख के ऊपर केसेस आ रहे हैं यूके में पर डे के तो इतनी केसेस उनके पिछली दो वेव्स में नहीं आए थे जितने इस बार आ रहे हैं तो वो एक चीज़ है जिस जिसपे हमको गौर करना पड़ेगा बट uh, देखते हैं क्या होता है और uh, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्या स्टेप्स लेंगे इट वुड बी इंटरेस्टिंग तो वैस ये था एक छोटा सा रिएक्शन एंड राउंड अप ऑफ प्रीमियर लीग मैचेज एंड टू बी ऑनेस्ट ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी रात को बारह बजे तो रियाज मड टू प्ले कडीज़ एंड नापोली और एसी मिलान का मैच भी होना तो इट वुड बी फेयर कि अगर मैं बिना उन मैचेस के राउंड अप कर देता पूरा टॉप फाइव लीग्स का लेकिन वो करेंगे हम डेफ़िनेटली किसी और वीडियो में बट ये डेडिकेटेड था प्रीमियर लीग के लिए क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन जो है बहुत ख़राब हो गई है आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर कि किस तरीके से इस सिचुएशन को अप्रोच करना चाहिए क्या लीग को सस्पेंड करना सही डिसीजन है या चलते रहने देना चाहिए क्योंकि ऐसे घसीट के और जितने मैचेस हो रहे हैं तो उससे भी आपको एक जो है बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा मैचेस का फिर आप वो कैसे कराएंगे कैसे अपने कैलेंडर में एडजस्ट करेंगे वो भी सारी चीज़ें देखने को इंटरेस्टिंग होगी कि कैसे मैनेज होता है वो तो जो भी आपका रिएक्शन है गाइस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और आपको क्या लगता है कि क्या आउटकम होगा इस मीटिंग का चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक अपना ध्यान रखिए गाइस टेक केयर ठंड आ गई है तो प्लीज़ प्रॉपर प्रिकॉशंस ले बाहर जाते समय बीमार मत पड़ना यार टफ टाइम्स माइट बी आई हेड ऑफ एस तो टेक केयर Enjoy and peace out.